हाई फ्रेंड्स वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू टॉपिक्स हेमरोइड्स एंड असाइटिस दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें टाइम की कमी होने की वजह से दो दो टॉपिक एक साथ करवा रहा हूँ आपको कहीं भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें पर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें मैं इतना लेंथ ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ उतना ही बनाता हूँ जितनी नीड होती है क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ को नहीं देखते हैं इसलिए मैं छोटा ही बनाता हूँ वीडियो भी चलिए स्टार्ट करते हैं हेमरोइड्स सबसे पहले पढ़ेंगे हेमरोइड्स जिसको रेक्टल लंप एंड पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है डायलेटेड और एन वेन इन लोअर पॉर्सन ऑफ रेक्टम और एनस रेक्टम और एनस के लोअर पोर्शन में वेन का एनलार्ज होना या फिर डायलेशन होना हेमरोइड्स कहलाता है नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी यूजुअली अकर्स इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हेमरोइड्स मेनली प्रेगनेंसी के अंदर भी देखा जाता है बट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखा जाता है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो एबडोमन प्रेशर है वो ज़्यादा होगा यूट्रस एनलाज होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा उसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर भी हेमरोइड्स देखने को मिलता है तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है अगर प्रेगनेंसी में आपको पूछा जाता है हेमरोइड्स कब देखने को मिलता है तो आपको राइट आंसर करना है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ये कुछ इंट्रोडक्शन है हेमरोइड्स का हेमरोइड्स में क्या होता है लोअर पोर्शन में जो वेसल्स है उनमें डायलेशन हो जाता है चलिए नेक्स्ट टाइप्स इंटरनल एक्सटर्नल इंटर इंट्रो एक्सटर्नल तीन टाइप्स है इंट्रो एक्सटर्नल में दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इंटरनल के अंदर इनसाइड द एनाल कैनाल जो एनाल कैनाल है उसके अंदर आपको ब्लीडिंग या हेमरोइड्स देखने को मिलेगा नेक्स्ट एक्सटर्नल आउटसाइड द एनाल ओपनिंग एनाल ओपनिंग के आउटसाइड या बाहर की तरफ अगर ब्लीडिंग गए वगैरह हो रही है हेमरोइड्स देखने को मिलता है उस कंडीशन को बोला जाता है एक्सटर्नल हैमरॉयड्स नेक्स्ट है इंट्रो एक्सटर्नल बोथ आर प्रजेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमराइड्स दोनों ही कंडीशन अगर प्रजेंट होती है उस कंडीशन को बोला जाता है इंटरव एक्सटर्नल हेमराइड्स वैसे मैंने इमेज डाल दिए इंटरनल हेमराइड्स एंड एक्सटर्नल हेमराइड्स की आप देख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगी इंटरनल हेमरोड्स एन के अंदर जो रेक्टम है उस पार्ट पे आपको दिखाई दे रही है जबकि एक्सटर्नल हेमरोइड्स बाहर की तरफ यानी आउटसाइड दिखाई दे रही है ये टाइप्स है नेक्स्ट है इसके इटियोलॉजी किस वजह से हेमरोड्स अराइज होता है फर्स्ट है एब्डोमिनल प्रेशर देखिए एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से हेमरोइड्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन ये कि अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट के अंदर हो रखा है तो उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल नहीं होगी कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत ही हार्ड स्टूल देखने को मिलेगा और वो हार्ड स्टूल क्या करेगा इरीटेट करेगा इरीटेट करके हेमरॉइड स्कोज कर देगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी मैंने बता दिया है प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का जो प्रेशर है एन लार्ज होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा हेमरोइड्स कोज करेगा नेक्स्ट है सीटिंग एंड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम अगर लंबे समय तक तो कोई पर्सन खड़ा रहता है या फिर बैठा रहता है उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर हेमरोइड्स हो सकता है नेक्स्ट है ओबेसिटी एबडोमन प्रेशर बढ़ेगा ओबेसिटी होगी तो नेक्स्ट है हैवी लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग उसकी वजह से भी एबडोमन प्रेशर बढ़ेगा हेमरोइड्स हो सकता है नेक्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो रखा है उसकी वजह से भी हेमरोड्स हो सकता है मैंने बताया था नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर होता है फाइव टू टेन एम एम जी याद रखना नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर डायरिया अगर बार बार स्टूल पास आउट कर रहा है तो जो एन एस एन एस की म्यूकज है वो इरीटेट होगी देन हेमरोड्स कॉज होगा नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सीवियरिटी इंटरनल हेमरोइड्स में फोर डिग्री में डिवाइड किया गया है फर्स्ट डिग्री ब्लीडिंग नो प्रोलेप्स प्रोलेप्स नहीं होगा ब्लीडिंग ओनली देखने को मिलेगी नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री प्रॉलेपस विथ स्पॉन्टेनियस रिडक्सन प्रॉलेप्स आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग होगी साथ में इसको रिडक्सन किया जा सकता है जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जा सकता है नेक्स्ट है थर्ड डिग्री रिक्वायरिंग डिजिटल रिडक्शन इसके लिए डिजिटल रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाऊँगा अभी इमेज नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फोर्थ डिग्री को ट्रीट नहीं किया जा सकता है ब्लीडिंग तीनों कंडीशन में चारों कंडीशंस में होगी बट जो सेकेंड थर्ड डिग्री है फोर्थ डिग्री को ट्रीट नहीं किया जा सकता रिड्यूस नहीं किया जा सकता है सेकेंड एड थर्ड डिग्री को ट्रीट किया जा सकता है यह आपके सामने इमेज है आप देख लीजिए वही कंडीशनस है जो मैंने बताई है नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर रेक्टल ब्लीडिंग हेमराइड्स के अंदर आपको रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी क्योंकि जो एनल कैनाल है उसके अंदर ब्लीडिंग होगी नेक्स्ट है ब्राइट रेड ब्लड इन स्टूल अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है तो स्टूल के अंदर आपको ब्लीडिंग ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट है पेन ड्यूरिंग बोवेल मूवमेंट जब बोवेल मूवमेंट होंगे हेमरोइड्स के पेशेंट में बोवेल का मूवमेंट होगा तो आपको पेन भी देखने को मिलेगा यानी जब पर्सन डेफिकेशन के लिए जाएगा तो डेफिकेशन के दौरान जब बोवेल मूवमेंट्स होंगे तो पेन देखने को मिलेगा नेक्स्ट है एनालिचिंग एन वाले एरिया पे आपको इचिंग देखने को मिलेगी अगर हेमरोइड्स का पेशेंट है तो पेशेंट के अंदर अनॉल इचिंग होगी नेक्स्ट है रेक्टल प्रोलेप्स देखिए रेक्टल प्रोलेप्स हो जाएगा ये मैंने बता दिया है सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री अगर इंटरनल हेमरोड्स हो रखा है तो रेक्टल प्रोलेप्स आपको देखने को मिलेगा सेकेंड डिग्री को स्पॉन्टेनियस ट्रीट किया जा सकता है थर्ड डिग्री को डिजिटल रिडक्शन किया जा सकता है फोर्थ डिग्री को ट्रीट नहीं किया जा सकता फिर उसे सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है तो रेक्टल प्रोलेप्स होगा नेक्स्ट है थ्रोम्बस थ्रोम्बस मीन्स जो ब्लीडिंग हो रही है उसका थ्रोम्बस बन जाएगा यानी जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो जैसे ही ब्लीडिंग होगी देन एक जगह एक्यूमलेट होगे, थ्रोम्बस फॉर्मेशन करेगी तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है जो हेमरोइड्स के पेशेंट में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है डायग्नोसिस डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इसकी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा कैसे किया जाता है आप देखना नेक्स्ट है स्टोल गुआइक एफ ओ बी टी फिक्कल ब्लड टेस्ट गुआइक पेपर पे हम स्टोल का कलेक्शन करते हैं देन टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये मैंने अच्छे से समझा दिया है आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं वहाँ से आप इजीली समझ सकते हो नेक्स्ट सिग्मोइडोस्कोपी सिग्मोइडोस्कोपी यानी कि सिग्मोइड कॉलोन को विजुअलाइजेशन करना सिग्मोइडोस्कोपी कहलाता है नेक्स्ट प्रोक्टोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी में प्रोक्टोस्कोप के द्वारा एन को विजुअलाइज किया जाता है नेक्स्ट बेरी मेनिमा बार बार बता चुका हूँ लोअर जीआईटी के लिए बेरी मेनिमा यूज लिया जाता है ये आपके सामने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की इमेज आ चुकी है एक साइड मेल में है एक साइड फीमेल में जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं देख लीजिए आप पढ़ लीजिए समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछ लेना नेक्स्ट है मैनेजमेंट नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट नहीं करना है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है अगर कोई हेमरॉइड का पेशेंट है तो फर्स्ट है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है प्रिवेंट करना है कॉन्स्टिपेशन से क्योंकि डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है वो कोज करेंगे हेमरोइड्स नेक्स्ट है ड्रिंकिंग फ्लूड आपको जो भी हेमरोइड्स का पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पिलाना है जिससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हेमरोइड्स नहीं होगा नेक्स्ट है हाई फाइबर डाइट कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में मेनली हाई फाइबर डाइट यूज़ ली जाती है हाई फाइबर डाइट ये तो सुना ही होगा आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हाई फाइबर डाइट आर यूज इन कॉन्स्टिपेशन पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का जो भी पेशेंट है उसमें हाई फाइबर डाइट यूज ली जाती है नेक्स्ट है स्टूल सॉफ्टनर अगर कॉन्स्टिपेशन और का है स्टूल हार्ड पास आउट कर रहा है पेशेंट तो आप स्टूल सॉफ्टनर यूज कर सकते हो नेक्स्ट है कीप एनाल एरिया क्लीन जो एनाल एरिया है उसको आपको क्लीन रखना है नेक्स्ट है सॉप इन ए वाम बाथ वम बाथ से पेशेंट को देना है वाम बाथ पेशेंट को देना है जिससे क्या होगा जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होगा जैसे मतलब बाहर निकल जाएगा कैसे वाम बाथ के द्वारा नेक्स्ट है अप्लाई आइस पैक्स एंड कंप्रेस इन टू टेन मिनट यानी आइस पैक आपको अप्लाई करने कंप्रेस करने टेन मिनट के लिए जिससे क्या होगा ब्लीडिंग नहीं होगी वे जो कॉन्स्टक्शन होगा ब्लीडिंग नहीं होगी नेक्स्ट है यूज फॉर शिज बाथ विथ वाम वाटर वन वन टेन टू वन वन फाइव डिग्री फोर नाइट शिज बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है सिज बाथ मेनली हेमरोइड्स के पेशेंट में यूज़ ली जाती है जिसमें जो वॉम वाटर है वह आपको अप्लाई करना होता है सिज बात के अंदर यूज करना होता है जिसका टेम्परेचर वन वन जीरो टू वन वन फाइव डिग्री फॉर नाइट होता है इट इज़ आल्सो नोन एज टब बाथ इसको टब बाथ भी कहा जाता है नेक्स्ट है सिट इन ए टब और पान ऑफ थ्री टू फोर टाइम्स ए डे फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट आपको टब या पान के अंदर बिठाना है पेशेंट को और दिन में तीन से चार बार पंद्रह से बीस मिनट के लिए यह आपको सिज बात यूज़ करना है सिज बात टेम्परेचर आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फिर से लिख दिया है टेम्परेचर इसका पूछा जाता है सिज बात किस पेशेंट में यूज़ किया जाता है यह भी आपको याद रखना है हेमरोइड्स के पेशेंट में सिज बात यूज लिया जाता है टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कितने टेम्परेचर का पानी वाटर यूज लिया जाता है नेक्स्ट सॉल्यूशन ये भी आपको इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है केमनोफोर वन रेशियो फाइव थाउजेंड यह कैमनोफोर का रेशियो यूज़ किया जाता है हेमरोड्स के पेशेंट में सिज बात में नेक्स्ट बोरिक एसिड एंड यूजल सोल्यूसन ये भी यूज लिए जाते हैं वैसे मैं आगे बता दूंगा जब हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन समझाऊँगा तब नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडेसन सिज बात इन 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 कंडीशंस में कॉन्ट्राइडिकेटेड होती है आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेना है यूज़ मैनस्ट्रेशन के अंदर आग अगर आप शिज बात यूज लेते हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी वह जो डायलेशन होगा नेक्स्ट है रिनल इन्फ्लामेशन अगर किसी पेशेंट में रिनल इन्फ्लामेशन और क्या है तो आपको शिज बात यूज़ नहीं करनी है नेक्स्ट है इंक्रीज इरेटिबिलिटी टू द जेनाइटल ऑर्गन्स अगर किसी पर्सन में जेनेटल ऑर्गन्स में इरेटि इरेटिबिलिटी हो रखी है ये इरेटेबलिटी ज़्यादा हो रखी है तो आपको यूज़ नहीं करना है सच बात क्योंकि इसमें वार्म वाटर यूज़ किया जाता है इसलिए आपको इन कंडीशंस में अवॉइड करना है इंडिकेटेड होते हैं नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट क्योंकि फार्मिकोलॉजिकल कोई मैनेजमेंट है नहीं स्टोर सॉफ्टनर आप यूज़ कर सकते हो इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट अगर अगर नॉन फार्मेकोलॉजिकल से ट्रीट नहीं होता है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है फॉर पेनफुल एंड परसिस्टेंट हेमरॉयड्स हो रखा है तो आप दो सर्जरीज वैसे और आगे बट आपको कौन कौन सी सर्जरीज परफॉर्म करनी है यानी सर्जन करेगा अपना काम नहीं है रबर बैंड सर्जरी ए रबर बैंड इज सेव अराउंड द बेस ऑफ एन इंटरनल हेमरॉयड्स अभी मैं इमेज दिखाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो इंटरनल हेमरोयड्स है उसको रबर बैंड के द्वारा बांध के निकाल लिया जाता है नेक्स्ट है स्क्लेरोथेरेपी स्क्लेरोसेंट स्क्लोरोसेंट ए लोकल रिएक्शन दैट इंटरफेयर्स विद ब्लड फ्लो इनसाइड द हेमरोयड मेकिंग ए हेमरोयड श्रिंक इंटरनल हेमरोइड्स में जब स्क्लेरोसेंट यूज लिया जाता है तो ब्लड फ्लो के साथ इंटरफेयर करता है देन जो हेमरोयड यानी कि थ्रोम्बस वगैरह बनाए उसको बाहर निकालने में मदद करता है इसलिए स्क्लेरोथेरेपी यूज ली जाती है नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म इन एसोफेजियल वेरिशेज इसोफेजियल वेरिशेज भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर इसके थेरेपी यूज़ ले सकते हैं वैसे ब्लैक मोर ट्यूब आपको याद रखना है इसो फेजियल के लिए यूज ली जाती है ये देखिए आपके सामने रबर बैंड सर्जरी की इमेज है एक साइड से जो इंटरनल हेमरोइड है उसको पकड़ा हुआ है सेकंड में रबर बैंड किया हुआ है थर्ड में रिमूव किया जा रहा है यह आपके सामने रबर बैंड सर्जरी की इमेज है चलिए नेक्स्ट है कोएगुलेशन थेरेपी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रा रेड लाइट टू डेस्ट्रॉय इंटरनल हेमरोइड्स बाई बर्निंग देखिए जो कोगुलेशन थेरेपी है वो इंटरनल हेमरोइड्स के लिए यूज़ ली जाती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इंफ्रा रेड लाइट है उसका यूज़ किया जाता है और जो इंटरनल हेमरोइड्स है उसको डेस्ट्रॉय किया जाता है बाई बर्निंग जला करके उसको डेस्ट्रॉय किया जाता है यह होता है कोएगुलेशन थेरेपी के अंदर नेक्स्ट है हेमरोडेक्टमी अगर इनसे भी ठीक नहीं होता है पेशेंट तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है हेमरोड एक्टमी रिमूव ऑफ एनलार्ज्ड वेन अराउंड द एन एस जो भी एन एस के चारों तरफ एनलार्ज्ड वेन है उनको रिमूव करना हैमरॉयडक्टमी कहलाता है वैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था डिस्टेंडेड दिस, या फिर डायलेटेड या फिर जो एन वेन है एन एस के लोअर पोर्सन के अंदर उनकी वजह से क्या हो रहा था हेमरोइड्स तो आपको हेमरोइड एक्टमी भी करनी है तो जो एन वेंस है उनको रिमूव करनी पड़ेगी तो ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है जो पेशेंट के अंदर किए जाते हैं परफॉर्म किए जाते हैं वैसे ये अपना काम नहीं है बट आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट अपना वाला काम आ चुका है तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट है नर्स है अपन लोग तो अपना काम तो अपने को आना ही चाहिए फर्स्ट है प्रोवाइड प्रोन और साइड लाइन पोजिशन टू प्रिवेंट ब्लीडिंग पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है देन आपको क्या करना है प्रोवाइड करवानी है प्रोन पोजिशन या फिर साइड लाइन पोजिशन अगर नहीं हुई है तो भी आपको ये पोजिशन यूज़ करनी है क्यों क्योंकि ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए अगर आप सुपाइन पोजिशन दोगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी अगर प्रॉन पोजिशन दोगे तो प्रेशर कम लगेगा प्रेशर कम लगेगा तो जो ब्लीडिंग है वो कम होगी नेक्स्ट है मेंटेन आइस पैक ओवर द ड्रेसिंग एज प्रेस्क्राइब अगर प्रेसक्राइब किया गया है तो ड्रेसिंग पे आप आइस पैक यूज कर सकते हो नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूड इंटेक एंड हाई फाइबर डाइट एज ए नर्स आपको इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि आप हाई फाइबर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा ले और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड का इनटेक करें जिससे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हेमरेड्स हेमराइड्स नहीं होगा ये हाई फाइबर डाइट आप याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिर से बता रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में हाई फाइबर डाइट दी जाती है यह आपको याद रखना है बार बार इसलिए बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट है स्ट्रेंगुलेशन ये सर्जरी के बाद में जब ब्लीडिंग सब जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है स्टॉप हो जाती है उसकी वजह से स्ट्रेंगुलेशन आपको देखने को मिल सकता है उस पार्ट में नेक्रोसिस होने की संभावनाएँ होती हैं टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस बन जाएगा क्लोटिंग फैक्ट्रब्सेंस होने की वजह से अल्सरेशन होगा नेक्स्ट गैंग्रीन गैंग्रीन भी आपको देखने को मिलेगा ये था एमरोइड्स जो कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट है असाइटिस एंड एब्डोमिनल ड्रॉपसी इसके बारे में हम देखेंगे अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हो बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखें शॉर्ट टाइम में आपको टॉपिक्स क्लियर करवा रहा हूँ असाइटिस बहुत बार सुना होगा कॉलेज में भी पढ़ा होगा असाइटिस पेशेंट्स भी आपने देखे होंगे नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा आज एक्ूमलेसन ऑफ फ्लूड इन पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड का एक्ूमलेशन होना असाइटिस या फिर एबडोमिनल ड्रॉपसी कहलाता है दोनों ही नाम याद रखना है आपको असाइटिस इज ऑल्सो नोन एज एबडोमल ड्रॉपसी नेक्स्ट एटियोलॉजी सीवियर इंपेयरमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन कार्डिवेस्कुलर फंक्शन में सीवियर इंपेयरमेंट होने की वजह से असाइटिस पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट है लीवर फेल्योर वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर असाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन कोज होता है असाइटिस का लीवर फेल्योर या फिर लीवर सिरोसिस ये अपना टॉपिक आएगा जस्ट इनके आगे लीवर सिरोसिस वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको यहाँ इतना ही याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है असाइटिस का लीवर फेल्योर या फिर लीवर सिरोसिस नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन थ्री ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है ग्रेड फर्स्ट माइल्ड ओनली विजिबल ऑन यू एस एंड सी स्कैन अगर ग्रेड फर्स्ट में है साइटिस का पेशेंट तो आप कैसे पता लगा सकते हो यू यानी अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सी स्कैन के द्वारा पता लगा सकते हैं या देख सकते हैं ये माइल्ड स्टेज है नेक्स्ट है ग्रेड सेकेंड डिटेक्टेबल विथ फ्लैंक बल्जिंग एंड शिफ्टिंग डलनेस फ्लैंक एरिया आपने सुना होगा जो किडनीज़ होती है उनके दोनों तरफ यानी राइट एंड साइड दोनों साइड में फ्लैंक एरियाज होते हैं जब किडनी स्टोन होती है तो सीवियर पेन होता है वो फ्लैंक एरिया में देखा जाता है वहाँ पर क्या होगा बल्जिंग होगी मतलब उभार आपको देखने को मिलेगा और जो शिफ्टिंग डलने से यानी कि जो फ्लूड है वो उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा जो भी एक्यूमुलेट हो रखा है नेक्स्ट ग्रेड थर्ड डायरेक्टली विजिबल कन्फर्म विथ एंड फ्लूड वेव्ड आपको जो फ्लूड की वेव है वो आपको सुनाई देगी और आप अच्छे से विजिबल कर सकते हो यानी कि किसी भी यू या सिटी स्कैन एक्सरे की ज़रूरत नहीं है आप देख के पता लगा सकते हो कि इस पेशेंट में साइटिस हो रखा है कंफर्म कर सकते हो फ्लूड एक दूसरे से यानी राइट से लेफ्ट के अंदर शिफ्ट होता रहेगा वेव्स की तरह चलता रहेगा ये थे क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं जो असाइटिस में देखने को मिलते हैं फर्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लूड का एक्यूमुलेशन और रखा है किसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट है इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ जो नॉर्मल एबडोमन गर्थ होती है वो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी सेंटीमीटर होती है बट इस कंडीशन के अंदर असाइटिस की कंडीशन के अंदर एबडोमन गर्द वो बड़ी भी मिलेगी नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रिद यानी कि जो एबडोमन केविटी है उसमें डिस्टेंसन की वजह से जो डायफ्राम है उस पर प्रेशर लगेगा प्रेशर लगने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेद आपको देखने को मिलेगी असाइटिस के पेशेंट में जो अस्थमा का पेशेंट ब्रीदिंग करता है वैसे आपको ब्रीदिंग देखने को मिलेगी क्योंकि फास्टली या रेपिडली ब्रीदिंग करता रहेगा असाइटिस का पेशेंट नेक्स्ट है डिस्टेंडेड वेन और एबडोमन वॉल एबडोमन वॉल पे प्रेशर की वजह से जो एबडोमन वेंस है वो एबडोमन वॉल की वेंस है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी नेक्स्ट है पुडलिया लोसन साइंस इसकी मैंने इमेज डाल दी है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी इसके अंदर क्या करते हैं पेशेंट को नी चेस्ट पोजिशन देते हैं नी चेस्ट पोजिशन देने के बाद में एक पर्टिकुलर यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि अम्ब्लाइकस वाले रीजन में फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पर वहाँ से हम पालपेट करके पता लगा सकते हैं इस साइन को बोला जाता है पुडल साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुडल साइन इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉसन्स साइन ये साइटिस या एबडोमिनल ड्रॉपसी के अंदर देखा जाता है आपको याद रखना है नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है बल्जिंग फ्लैंक्स इन सुपाइन पोजिशन मैंने बता दिया जो फ्लैंक एरिया है उनके अंदर बल्जिंग आपको देखने को मिलेगी यदि पेशेंट सुपाइन पोजिशन के अंदर है सुपाइन पोजिशन के अंदर अगर पेशेंट होगा तो जो फ्लूड का एक्यूमलेसन और का है वो राइट right और लेफ्ट दोनों साइड की जो फ्लैंक एरियाज है उधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पर बल्जिंग आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट है इवर्जन ऑफ अम्ब्लाइकस एक होता है इवर्जन एक होता है, 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 है इन्वर्जन इवर्जन मीन्स आउटवर्ड इन्वर्जन मीन्स इनवर्ड तो यहाँ पर क्या हो रखा है ईवर्जन ऑफ अम्बलाइकस अम्बलाइकस वो आउटवर्ड आपको दिखाई देगी यानी कि बाहर निकली हुई दिखाई देगी अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट है फ्लैंक डलनेस यानी कि जो फ्लैंक एरियाज है वहाँ पर आपको डलनेस देखने को मिलेगी जैसे आप वहाँ से कोई भी स्टेथोस्कोप के द्वारा यानी कि ओस्कल टैच करोगे साउंडस वगैरह तो वहाँ से कोई भी साउंड आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगी वहाँ पर डलनेस आपको देखने को मिलेगी फ्लैंक डलनेस भी आपको देखने को मिलेगा ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स नेक्स्ट डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस परफॉर्म करते हैं सैटिस के अंदर फर्स्ट है डलनेस ऑफ प्रकोशन यूज इन एक्यूमलेसन देखिए प्रकोशन मेनली जहाँ पर भी एक्यूमलेसन होता है वहाँ पर प्रकोशन मेनली यूज लिया जाता है ये प्रकोशन याद रखना आपको एक्यूमलेसन के अंदर यूज लिया जाता है ऑस्कल्टेशन पालपेशन प्रकोशन यहाँ पर सिर्फ प्रकावशन आपको यूज़ करना है पालपेशन ऑस्कल्टेशन यूज़ नहीं करना है क्योंकि डलनेस आपको देखने को मिलेगी जब आप प्रकोशन परफॉर्म करोगे नेक्स्ट है एबडोमन एक्सरे एबडोमन से आप एक्सरे लेकर पता लगा सकते हो नेक्स्ट है यू मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेक्ट असाइटिस मैंने बताया था असाइटिस के लिए यू आपको यूज करनी है मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्ट असाइटिस यानी कि असाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट सेंसिटिव होती है यू एस यानी अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि साइटिस को मोस्ट सेंसिटिव डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तो आपको राइट right आंसर करना है यू नेक्स्ट है सी स्कैन सी स्कैन से भी आप पता लगा सकते हो नेक्स्ट है मैनेजमेंट बेड रेस्ट पेशेंट को बेड रेस्ट देनी है वो भी फॉबुलर पोजीशन आपको देनी है जिससे ब्रीदिंग अच्छे हो से हो सके मैंने शायद लिखा नहीं है बट आपको बता देता हूँ अगर किसी भी प्रकार से शॉर्टनेस सो ऑफ ब्रीद होती है किसी भी डिजीज़ कंडीशन में कहीं भी आपको देखने को मिलती है आप सेमी फॉवलर पोजिशन पेशेंट को दे सकते हो जिससे पेशेंट को ब्रीदिंग अच्छे हो से हो सके नेक्स्ट है करेक्ट फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखिए आपको फ्लूड का बैलेंस भी रखना है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ठीक से मेंटेन रखना है फ्लूड है वो लीवर फेल्यूर की वजह से एक्सक्रिएट आउट हो चुका है असाइटिस कोज कर रखा है नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स क्योंकि इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवानी है एज ए डॉक्टर ऑर्डर अपने को नहीं देनी है डॉक्टर के ऑर्डर से नेक्स्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको डाइट भी प्रॉपर मेंटेन रखनी है नेक्स्ट डायरेटिक्स अगर किसी भी प्रकार की स्वेलिंग वगैरह होती है तो हम मेनली क्या करते हैं डायोरेटिक्स डायरेटिक्स से जो एक्स्ट्रा फ्लूड होता है वो बाहर निकल जाता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पर सिर्फ आपको आउटर लाइन बता देता हूँ पैरासेंटेसिस ये मेनली मेनलीसाइटिस के अंदर परफॉर्म किया जाता है रिमूवल ऑफ फ्लूड फ्रॉम पेरिटोनियम पेरिटोनियम केविटिस से फ्लूड को रिमूव करना पैरासेंटेसिस कहलाता है पोजिशन सेमी फोलर पोजिशन इन बेड जब पैरासेंटेसिस किया जाता है तो सेमी फोलर पोजिशन यूज की जाती है जिससे जो ड्रेनेज है या जो फ्लूड का प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा और फ्लूड अच्छे से बाहर निकल जाएगा नेक्स्ट है सिटिंग अपराइट ऑन साइड ऑफ बेड और इन ए चेयर विद ए फिट सपोर्टेड देखिए अलग अलग पोजिशंस मैंने बता रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो पैरासेंटासिस के दौरान सिटिंग अपराइट आप पोजिशन दे सकते हो बेड के ऊपर और चेयर्स के ऊपर जो फिट है वो उनको सपोर्ट देना है नेक्स्ट है निडल इंसर्ट टू सेंटीमीटर बिलो अम्ब्लाइकस या फाइव सेंटीमीटर सुपीरियर ऑफ एलिक इस्पाइन स्पाइन से पाँच सेंटीमीटर ऊपर की ओर या फिर अम्बलाइकस से दो सेंटीमीटर नीचे की ओर आपको नेडल इंसर्ट करना है देन पैरासेंटेसिस करना है इससे क्या होगा जो एक्यूमुलेशन हो रखा है फ्लूड का वो बाहर निकल जाएगा जैसे ही जो फ्लूड का एक्ूमलेशन बाहर हो होगा तो पेशेंट को रिलीव मिलेगा पेशेंट को ब्रीदिंग पैटर्न है वो अच्छे से होगा इम्प्रूव होगा आपको पैरासेंटेसिस की एक इमेज दिखा देता हूँ वैसे मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा ये आपके सामने इमेज आ चुकी है पैरासेंटेसिस की इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स के नाम भी दिए हुए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है लंग्स लीवर स्टोमक पेरिटोनियल मैमब्रेन असाइटिस की कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लूश डिस्कलरेशन हो रखा है वहाँ पर फ्लूड का एक्यूमलेसन हो रखा है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है पेरासेंटेसिस के लिए एक बोतल लगी हुई है बोतल वहाँ से क्या करका है एक अम्बलाइक से दो सेंटीमीटर नीचे पैरासेंटेसिस किया हुआ है नीडल को इंसर्ट किया हुआ है वो ड्रेन कर रही है नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन मोनिटर वाइटल साइन आफ्टर प्रोसीजर प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले आपको मॉनिटर करना है वाइटल साइंस वाइटल साइंस टी पी आर बी पी टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर ये आपको मॉनिटर करने हैं फिफ्थ वाइटल साइन होता है पेन ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है असेस फॉर क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ हाइपोवलीमिया आप पैरासेंटेसिस प्रोसीजर तो कन्फर्म कंप्लीट कर चुके हो बट बाद में आपको हाइपो की कंडीशन तो अराइज़ नहीं हुई है ये भी आपको फाइंडिंग करना है अगर हाइपो हो गया है तो आपको ये कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी एग्जाम्पल पेलोर ओलिग्यूरिया डिसनिया टेकिकार्डिया देखिए पेलर यानी कि पेल डिसकलरेशन आपको देखने को मिलेगा ओलिग्यूरिया जो यूरिन पास आउट प्रॉपर अमाउंट में हो रहा था वह प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा लेस देन आपको देखने को मिलेगा डिसनिया ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी टेकिकार्डिया हार्ट बीट जो हार्ट रेट वो ज़्यादा देखने को मिलेगी नेक्स्ट है मेंटेन प्रेशर ड्रेसिंग ओवर नीडल इंसर्ट साइड जो भी आपने निडल इंसर्ट किए है उस साइड पे ड्रेसिंग का प्रेशर मेंटेन रखना है ऐसे नहीं कि ज़्यादा प्रेस कर दो या फिर कम प्रेशर दो उससे क्या होगा जो निडल इंसर्ट किए वो बाहर निकल सकती है अगर आपने कम प्रेस किया है तो और ज़्यादा प्रेस कर दिया तो वो ज़्यादा आगे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है इसलिए आपको प्रेशर है ड्रेसिंग का वो आपको मेंटेन रखना है जहाँ पर निडल इंसर्ट किए है यह आपको इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जो नीडल आप कहाँ इंसर्ट करोगे टू तो सेंटीमीटर बिलो द एम्ब्लाइकस याद रखना फिर से बता रहा हूँ दो सेंटीमीटर बिलो द अम्ब्लाइकस या फिर फाइव सेंटीमीटर सुपीरियर द इलियक स्पाइन, इलियक स्पाइन से पाँच सेंटीमीटर ऊपर की ओर या फिर अम्बलाइकस से दो सेंटीमीटर बिलो ये कुछ आपको याद रखने हैं नेक्स्ट आपके सामने इमेज असाइटिस में इस प्रकार का पेशेंट आपको देखने को मिलेगा आपने देखा भी होगा अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए असाइटिस के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लूड का एक्मलेसन हो जाता है एबडुमिनल कैविटी के, के अंदर मैंने बताया था इवर्जन ऑफ अम्बलाइकस यहाँ पर जो अम्ब्लाइकस है उसका आउटवर्ड प्रोट्यूड होना देखिए यहाँ पर इवर्जन हो रखा है यानी आउटसाइड बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी अम्ब्लाइकस तो ये आपको देखने को मिलेगा असाइटिस के पेशेंट में अम्बलाइकस जस्ट बिलो टू सेंटीमीटर आपको निडल इंसर्ट करनी है पैरासेंटिस के लिए या फिर फाइव सेंटीमीटर सुपीरियर टू ईलिग स्पाइन ईलिग स्पाइन से आप पाँच सेंटीमीटर सुपीरियर यूज़ कर सकते हो तो आपको ये कुछ जो भी कुछ मैंने बताया है वो आपको याद रखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये था आज का अपना टॉपिक हैमरॉइडस एंड असाइटिस देखिए मैं बहुत ही कम समय में आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं आपको यही वीडियो दो घंटे में बना के दे सकता हूँ बट आप देख नहीं पाओगे मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए मैं आपको कम समय में अच्छे से और बेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो मैं आपको वापस बताऊँगा कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक मेरे साथ बने रहे थैंक यू वेरी मच